काफी लंबे इंतजार के बाद अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म औरों में कहां दम था का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन ये लगातार टलती जा रही थी। आज सुबह ही फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें अजय देवगन को पीछे से दिखाया गया है। इस पोस्टर ने फैंस की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। फाइनली अब फैंस का वेट खत्म हुआ। टीजर के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया है। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 5 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म एक यूनिक म्यूजिकल लव स्टोरी होगी, जिसमें 20 साल के लंबे गैप के बीच का एक रोमांटिक ड्रामा दिखाया जाएगा। फिल्म की कहानी 2002 से 2023 के बीच की कहानी दर्शाती है। वीडियो की शुरुआत होली के एक सीन से होती है, जिसमें पीछे से अजय देवगन की आवाज में एक वॉइस ओवर है। होली के त्योहार के बीच अजय देवगन और तब्बू एक दूसरे को गले लगाते हैं और बैकग्राउंड में शायरी आती है। जब दिल से दुहा उठा, बरसात का मौसम था, 100 दर्द दिए उसने जो दर्द का मरहम था, हमने ही सितम ढाए, हमने ही कहर तोड़े, दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। इन लाइनों को सुनकर लग रहा है कि फिल्म की कहानी तब्बू और अजय देवगन के मिलने और बिछड़ने के प्लॉट के बीच सेट की गई है। फिल्म में जिमी सहगल, सई मांजरेकर और शांतनु माहेश्वरी भी नजर आएंगे। शीतल भाटिया, नरेंद्र हिरावत और कुमार मंगत पाठक इस फिल्म के निर्माता है, जबकि MS धोनी और बेबी जैसी फिल्मों के निर्देशक नीरज पांडे ने इसे डायरेक्ट किया है। वहीं अजय देवगन की बात करें तो वो बहुत जल्द सिंघम 3 में नजर आएंगे। फैंस अजय देवगन को सिंघम अवतार में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा फिल्म रणवीर सिंह और अक्षय कुमार की रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में वापसी के तौर पर देखी जा रही है। फिल्म में लेडी सिंघम के तौर पर दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। ऐसी ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।